100 करोड़ वसूली मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अनिल देशमुख से 13 घंटे तक सवाल पूछे, जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 बार समन के बाद ईडी के सामने पेश हुए थे अनिल देशमुख, आज कोर्ट में होगी पेशी। देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक में जुबानी जंग हुई तेज, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाब मलिक। आज 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के आएंगे नतीजे, 30 अक्टूबर को हुआ था मतदान। ग्लासगो के COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दिया पंचामृत का फॉर्मूला। सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया वादा, साल 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी बनाएगा भारत, अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा पूरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकासशील देशों की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य, विकसित देश बनाए $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फंड, नियम न मानने वालों पर दबाव बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋग्वेद की 2 लाइनों से अपनी स्पीच की शुरुआत की, कहा सभी मिलकर साथ चले, सब मिलकर संवाद करें और सभी के मन भी मिले रहें। पीएम ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत। भारत और ब्रिटेन में रक्षा, अर्थव्यवस्था, हेल्थ और पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर हुई बात, 2030 तक के एजेंडे को भी समीक्षा में शामिल किया गया। 7 नवंबर को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक, पीएम मोदी शाह भी होंगे शामिल, कोरोना काल के बाद होगी पहली बैठक। जिन्ना पर यूपी में बड़ा घमासान, सीएम योगी ने कहा अखिलेश की बांटने वाली मानसिकता सामने आई। पीडीपी का दावा, घर में नजरबंद है महबूबा मुफ्ती, अनंतनाग में शहीद अहमद के घर जाने से रोका। पंजाब में चन्नी कैबिनेट की आज बैठक, आज मंत्रियों विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा करेंगे सीएम चन्नी। पंजाब में घरेलू बिजली 3 रुपए सस्ती, 100 यूनिट तक रेट सिर्फ 1.19 रुपए, 300 यूनिट तक के लिए 4.01 रुपए देने होंगे। हरियाणा में खट्टर मंत्री परिषद की भी आज होगी बैठक, सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 12वीं पास को 50 लाख रुपए तक का लोन देगी प्रदेश सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 लाख किसानों को दी 1500 करोड़ रुपए की सौगात, किसानों के अकाउंट में डाले पैसे। गुजरात के वडोदरा में 2 फैक्ट्रियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज, अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिस्सा लिया। कल अयोध्या में सरयू किनारे जलाए जाएंगे 9 लाख दिए, दीप को घाट पर सजाने का काम जारी। दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, अयोध्या में सभी प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी लगे। दिल्ली के लाजपत नगर में धनतेरस की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। दिवाली को लेकर वाराणसी के बाजार में भीड़ उमड़ी, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। गोरखपुर में अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया गया, कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने लगातार 4थी जीत दर्ज की, श्रीलंका को 26 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की। जॉश बटलर 3 फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज बने, T20 में श्रीलंका के खिलाफ खेली 101 रन की शानदार पारी।